नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल हिमाचली रेसिपी एंड गार्डनिंग में स्वागत है। ये छोटी सी सुंदर चिड़िया देखो कितने अच्छे से फूलों का रस पी रही है। पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल। आज हम ढाबे वाले चने की दाल बनाएंगे, तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चना दाल को मैंने उबाल लिया है। चना दाल का अब तड़का लगाएंगे। मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन काट लिया है। गैस में कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालेंगे। सिंपल सी दाल है, बस इसमें एक छोटा सा एक ऐसी चीज़ हम डालेंगे जिससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब इसमें हम प्याज और लहसुन डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, उन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मीठी सौंफ चना दाल में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लाती है। इन सबको अच्छे से मिला के जब टमाटर पक जाए तो अब उसमें अपनी दाल डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब दाल में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालिए और इसे अच्छे से उबलने दें। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम दाल में हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसी तरह हमारी दाल पक के तैयार है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।